नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी लेखपाल की हम तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको इस परीक्षा से संबंधित सभी विषयों की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन पर आपका जो रिस्पॉन्स है, उस पर आपका जो फीडबैक है, वो काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसी से मुझे लगातार इंस्पिरेशन मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है और मैं लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। आज की इस क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था, 20वीं जो लाइव स्टॉक सेंसस है उसके बारे में हमने बात की थी। और चूंकि पशुपालन इस एग्जाम से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पशुपालन से संबंधित मैं आपसे 2 से 3 क्लासेस आपको दूंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको दिया 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट का डाटा, आज मैं बात कर रहा हूँ पशुओं की प्रमुख नस्लों के बारे में। और इसके बाद में एक वीडियो और आएगा जिसमें हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले कुछ प्रमुख रोग और उनके कारणों के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहले हम बात करते हैं पशुओं की नस्लों के बारे में। स्टार्ट करते हैं भैंस के साथ। ठीक है, तो भैंस की प्रमुख नस्लों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ जो भी आसपास की नॉलेज होगी, इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां होंगी, इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट होंगे, इसके साथ साथ मैं उनको भी कवर करता चलूंगा। वैसे तो अगर केवल नस्लों के बारे में बात की जाए तो आप 10 से 15 मिनट में इस टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, अगर केवल नस्लों के बारे में बात की जाए। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आप ऐसा नहीं कि आप यूपी लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं, यूपी लेखपाल के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कंटेंट को इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं कि आप लेखपाल के अलावा भी किसी दूसरे एग्जाम को दें तो उसमें भी यह उतनी ही उपयोगी सिद्ध हो, आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो सबसे पहले भैंस के बारे में बात करते हैं। अगर भैंस के बारे में बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बुबेलिस बुबेलिस। ठीक है, भैंस का वैज्ञानिक नाम है आपका बुबेलिस बुबेलिस। हमारे यहाँ पर जो भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, ठीक है, जो अनुसंधान संस्थान होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं, उनके द्वारा जिन नस्लों को मान्यता दी गई है उन नस्लों की संख्या है 16। ठीक है, भैंस की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो 16 हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस बुबेलिस। ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, देखिए नस्लों पर हम बाद में आएंगे, नस्लें इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो आज का टॉपिक है, इससे जुड़े हुए जितनी भी जानकारियां हैं, एक छोटी से छोटी जानकारी जो आपको परीक्षा में एक नंबर भी दिलाए वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी एक नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है तो वो एक नंबर की इंपॉर्टेंस उसी टाइम पे समझ में आती है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी मोड़ पर, किसी भी जगह पर आपको इस कंटेंट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी ऐसी न रह जाए जो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो। ठीक है, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये आपका हिसार में है और हिसार कहाँ पे पड़ता है आपका, हरियाणा में। ठीक है, बुबेलिस बुबेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम है, मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या 16 है, इसके साथ साथ केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB इसको कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो NDDB है ये कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको NDDB कहा जाता है, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1965 में गुजरात में एक स्थान है आनंद, उस जगह पर NDDP की स्थापना हुई थी। इसके अलावा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI इसको कहते हैं, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, NDDB NDRI की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ इनकी कहाँ पे स्थापना हुई थी, कौन से स्थान पे, कब इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट इनका हुआ था, वो पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो NDRI की स्थापना हुई थी करनाल में, करनाल पड़ता है आपका हरियाणा में। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1923 में, 1923 में। बात कर रहे हैं हम भैंस की बात करेंगे तो दूध की भी बात होगी और दूध से जुड़े हुए कुछ आंकड़े मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता क्या है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता क्या है, इस तरीके के आंकड़े जो है परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो दूध से जुड़ी हुई जब बात आती है तो अमूल का नाम जो है आप सभी जानते हैं, यूज भी करते होंगे, बहुत से लोग जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं अमूल को यूज भी करते होंगे। हो सकता है आपको इसका नाम नहीं पता हो, अमूल का पूरा नाम क्या है। ठीक है,
अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और इसकी स्थापना जो है 14 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये भी गुजरात से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं भैंस से जुड़े हुए कुछ प्रमुख फैक्ट्स के बारे में। भैंस का गर्भकाल कितना होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है भैंस का वो कितना होता है, 310 दिन। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आप आश्चर्य मत करें कि इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। आपका जो टॉपिक है ग्राम्य विकास में पशुपालन आता है आपका, कृषि आता है, ठीक है, कुक्कुट पालन आता है आपका, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने केवल एक टॉपिक दे दिया कि ग्राम्य विकास एवं समाज, तो ग्राम्य विकास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको भी हमें बराबर रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिनों का। इसके अलावा भैंस का जो मांस होता है, मीट जो होती है, भैंस की मीट को क्या कहा जाता है, इसको दो नामों से पुकारा जाता है, बफन और फ्लैश, ठीक है, दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। भैंस का गर्भकाल 310 दिन और भैंस की जो मीट होती है उसको बफन या फ्लैश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में गुणसूत्रों की संख्या भैंस में कितनी होती है, देखिए जलीय प्रकृति की जो भैंसें होती हैं उनमें गुणसूत्र 50 होते हैं, दलदली प्रकार की भैंसों में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब जलीय और दलदली ये भैंसों के कौन से प्रकार हैं, तो जलीय भैंसों को जनरली हम कहते हैं जो हमारे देश में जो नस्लें पाई जाती हैं, एक तरह से हम कहें तो जो स्वदेशी नस्लें हैं, ठीक है, हमारे यहाँ की जो स्वदेशी देसी नस्लें हैं उन्हें जलीय भैंसों की कैटेगरी में रखते हैं। दलदली भैंसें जो विदेशी नस्लें हैं, बाहर की नस्लें हैं, वो दलदली भैंसों की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जो जलीय प्रकार की भैंसें होती हैं उनमें 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं और दलदली प्रकार की भैंसों में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इससे संबंधित एक प्रमुख फैक्ट, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान यानी भैंस में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा जो पहला बच्चा उत्पन्न हुआ था वो किस स्थान पर उत्पन्न हुआ था, तो ये नैनी एक स्थान पड़ता है, कहाँ पे, प्रयागराज में। तो प्रयागराज में एक अनुसंधान संस्थान है भैंस से संबंधित, वहीं पर इसका विकास किया गया था 1943 में, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा भैंस के पहले बच्चा जो है उत्पन्न हुआ था। अब कुछ प्रमुख नस्लों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। भैंस की प्रमुख नस्लें हैं जैसे मुर्रा, नीली, रावी, जाफराबादी, मेहसाना, सूरती, नागपुरी, भदावरी। ये जो नाम दिख रहे हैं आपको ये सारी भैंसों की नस्लों के नाम हैं। और यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि आपको चार नस्लों के नाम दे दिए और फिर आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी एक भैंस की प्रमुख नस्ल है। मान लो कि तीन नस्लें किसी और जानवर की दे दी, अलग अलग जानवरों की दे दी, और उसमें से एक नस्ल आपको भैंस से संबंधित थी, तो आपको पता होगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है पहली बार, वैसे मैं ट्रिक्स पर बिलीव नहीं करता और बहुत कम, लेकिन क्या है कि आजकल लोगों को पसंद आती हैं कि एक ट्रिक से आसानी होती है, तो मैं वो भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो चीज़ें हैं जिनको याद करने में थोड़ी समस्या रहती है, दिक्कत रहती है, उनके लिए मैं ट्रिक्स भी फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने बनाने की कोशिश की है, अब देख लेना मेरे हिसाब से, तो मुझे तो सही लगा है, आपको कैसा लगा वो आप देख लेना। तो मैंने नाम बताए थे भैंस की नस्लों के, मुर्रा, नीली, रावी, जाफराबादी, मेहसाना, सूरती, नागपुरी, भदावरी, ठीक है। तो आप इस वाक्य को याद रखें, मुन्ना राजा मेरे सुना भजन, ठीक है, बड़ा सिंपल सा वाक्य है, मुन्ना राजा मेरे सुना भजन। दो तीन बार इसको रिवाइज करेंगे, सारी के सारी जो नस्लें हैं भैंस की वो आपको याद हो जाएंगी। मुन्ना राजा मेरे सुना भजन, एक सिंपल सा वाक्य, मुन्ना राजा मेरे सुना भजन। तो अब मुझसे देखेंगे तो मुर्रा, ना से देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं नीली, ठीक है, रा से रावी हो जाएगा आपके, जा से आपका जाफराबादी हो जाएगा। देखो मैंने जो जो चीज़ें जहाँ से आपकी जो नस्ल का नाम बन रहा है उसको मैंने नीले रंग से लिखा है, ठीक है, और जो साइलेंट वर्ड रहेगा जिसका कोई अर्थ नहीं रहेगा उसको मैंने रेड से लिख दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखा, माँ से मुर्रा हो गया, ना से नीली हो गया, रा से रावी हो गया, जा से जाफराबादी हो गया, मे से मेहसाना हो गया, ठीक है, रे साइलेंट है यहाँ पे। अब सुना, सू से सूरती, ना से नागपुरी और भा से भदावरी, ठीक है, ज और न ये दो है साइलेंट है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो आसानी से याद कर सकेंगे, मुन्ना राजा मेरे सुना भजन, ठीक है, मुझसे मुर्रा, ना से नीली, रा से रावी, मे से महसाना, सू से सूरती और भा से भदावरी, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अब नस्लों से जुड़े हुए कुछ प्रमुख प्रश्न
इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की जो नस्ल है, ठीक है, सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल के द्वारा दिया जाता है, स्वदेशी नस्लों में, तो मुर्रा भैंस जो है ये सबसे ज़्यादा दूध देती है और इसको देहली भैंस भी कहा जाता है, ठीक है, देहली भैंस भी मुर्रा भैंस को ही कहा जाता है। ये भैंस की प्रजातियों में, भैंस की नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो है नस्ल है। मुर्रा कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्ट यूपी में, इसके अलावा दिल्ली में, इसके हरियाणा और पंजाब, ठीक है, वेस्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में मुर्रा भैंस की प्रजाति पाई जाती है। अगली है नीली रावी। नीली रावी जो है ये फिरोजपुर, ठीक है, जो कि पंजाब में पड़ता है, तो नीली रावी जो है ये पंजाब में पाई जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में इस प्रजाति देखने को मिलती है, ठीक है। नीली रावी को एक नाम दिया जाता है पंच कल्याणी, ठीक है, नीली रावी जो नस्ल है भैंस की इसको पंच कल्याणी भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। जाफराबादी जो नस्ल है इसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत भारी होती है, इसका शरीर जो है बहुत बड़ा होता है, वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, देखने में थोड़ी सी अन्य जो नस्लें हैं या अन्य भैंसें हैं उनसे थोड़ा सा भारी लगती है, हैवी लगती है, इसी वजह से इसको मिनी एलिफेंट की संज्ञा दी जाती है। जाफराबादी जो नस्ल है ये गिर के जंगलों में पाई जाती है, इसके अलावा काठियावाड़ और जाफराबाद का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये नस्ल पाई जाती है, ठीक है, जाफराबाद क्षेत्र में ये पाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम जो है जाफराबादी भी कहा जाता है। देखिए एक चीज़ होती है जो कहते हैं ना कि जैसे आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे, लगातार दिन रात लगे हुए होंगे कैसे भी करके हमको ये वाली जॉब मिल जाए, ये सभी के साथ होता है। और जो जीतता है लास्ट में, जीतने वाले में और न जीतने वाले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। आपने ऐसा भी देखा होगा एक जो स्टूडेंट होता है वो 10-10 घंटे लगातार पढ़ रहा है, और एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो केवल 3-4 घंटे के एक नॉर्मल स्टडी कर रहा है, और वो 3-4 घंटे की नॉर्मल स्टडी करके भी एग्ज़ाम निकाल ले जाता है। जीतने वाले में और न जीतने वाले में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो मैंने अपने अब तक के जितना भी मेरा अब तक का कैरियर रहा है, मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, जितने भी मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं, उनका मेरा खुद का एक पर्सनल जो अनुभव रहा है, ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, तो मैंने यही जाना है कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं पढ़ते, समझिएगा बात को, जीतने वाले जो होते हैं जो लास्ट में जीतते हैं वो कुछ अलग से नहीं पढ़ते, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि जो जीतने वाले होते हैं वो चीज़ों को अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों में फ़र्क समझिएगा। जीतने वाले कुछ अलग नहीं पढ़ते, सिलेबस जो सिलेक्ट होता है उसके लिए भी वही सिलेबस है, और जो नहीं सिलेक्ट होता है उसके लिए भी वही सिलेबस है। मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो सिलेक्ट होता है वो भी उन्हीं बुक्स को पढ़ता है, जो नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं वो भी उन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन पेपर सबको दिया जाता है, वही क्वेश्चन पेपर वो दे रहे हैं, वही क्वेश्चन पेपर दूसरे लोग दे रहे हैं। दिन में 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, चाहे वो सिलेक्ट होता है उसके लिए भी 24 घंटे वही होते हैं, जो नहीं कर पाता है उसके लिए भी 24 घंटे वही होते हैं, ठीक है, अलग से कोई चीज़ नहीं आती। सभी पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, मंगल ग्रह से कोई आप में से आया नहीं है, यानी जीतने वाले मंगल ग्रह से नहीं आते, सिलेक्ट होने वाले मंगल ग्रह से नहीं आते। तो चीज़ें क्या हैं, कहाँ फ़र्क पैदा होता है, फ़र्क यही पैदा होता है कि जो जीतते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, चीज़ें वही, जितनी भी चीज़ें हैं उनको, वो भी उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेंड है उसको आपको बदलना पड़ेगा, एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, मेहनत करने से कभी डरना नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, सिलेबस ज़्यादा हो गया है, या फिर कंटेंट ज़्यादा हो रहा है और उससे आपको डर लग रहा है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट करना होगा, और जीतने के लिए कभी भी घड़ी नहीं देखनी चाहिए, जीतने के लिए कभी भी ये नहीं देखना है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, जीतने के लिए बस हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कितना टाइम अपना बेकार कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की, चलिए आज मैं थोड़ा ज़्यादा भूल गया, कंटेंट से मैं सीधा उधर घुस गया, विवेकानंद वाले जो प्रवचन हैं उनमें चला गया, तो वैसे मैं ज़्यादा बीच में बात करता नहीं हूँ, अपना जो भी कंटेंट होता है उसी के बारे में बात करता हूँ। मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है, तो आज बीच में ऐसे ही दिमाग में आ गई बात तो हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भदावरी के बारे में हमने जाफराबादी के बारे में पढ़ा। भदावरी जो है, भदावरी ये है ऐसी किस्म है, सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता इसके अंदर होती है। जो भदावरी प्रकार की जो नस्ल है भैंस की, ये सर्वाधिक गर्मी सहन कर सकती है। और भदावरी वाली जो भैंस है ये अपना आगरा मथुरा वाले क्षेत्र में, स्पेशली आगरा वाले क्षेत्र में, जो क्षेत्र हैं आगरा के वहाँ पे पाई जाती है। मेहसाना जो है ये एक संकर प्रकार की किस्म है, ठीक है, संकर किस्म है,
शंकर का मतलब क्या समझते हैं आप? शंकर, भगवान शंकर की बात नहीं होती, बम्बोले की बात नहीं हो रही है। शंकर का मतलब होता है कि शंकर किस्म वो होती है जो किन्हीं दो प्रजातियों के संयोग से किन्हीं दो प्रजातियों का संकरण कराया जाता है, किन्हीं दो प्रजातियों का क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, उसके फलस्वरूप जो नस्ल उत्पन्न होती है उसको हम संकर किस्म कहते हैं। ठीक, तो मेहसाना एक संकर किस्म है और ये दो नस्लों के द्वारा उत्पन्न हुई किस्म है। ठीक है, तो ये इस तरीके का पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। मेहसाना जो है मुर्रा और सुरती प्रकार की, ठीक है, सुरती लग गया, सुरती है, मुर्रा और सुरती प्रकार की जो किस्में हैं उन दोनों नस्लों का संकरण कराने के बाद में मेहसाना का जो है विकास किया गया था। और ये एक ऐसी किस्म है जो सबसे लंबा दुग्ध काल इसका होता है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम तक ये दूध देती है। इसका जो दुग्ध काल होता है लगभग 350 डेज का होता है, लगभग हम कह सकते हैं वन ईयर अराउंड। ठीक है, अब इसके बाद में आती है टोडा। टोडा जो किस्म है ये सबसे लड़ाकू नस्ल मानी जाती है भैंस की। और इसकी पहचान क्या है, इसके पूरे शरीर पर बाल होते हैं और खास करके जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। अब बात करते हैं गाय की। गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। ठीक है, गाय का वैज्ञानिक नाम होता है आपका बोस इंडिकस। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक नाम इसके संबंध में यूज किया जाता है, वो है आपका बोस टार्टस। बोस इंडिकस भारतीय गाय के लिए यूज किया जाता है और बोस टार्टस विदेशी नस्ल की जो गाय होती है उनके लिए यूज किया जाता है जिनमें कूबड़ नहीं होता, यानी कूबड़ रहित जो गायें होती हैं वो बोस टार्टस कैटेगरी में आती है। कूबड़ का मतलब आप देखे होंगे, जैसे आप गाय होती है गाय के पीठ पर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम कूबड़ कहते हैं, गांव वाले सभी जानते होंगे। गाय में गुणसूत्र जो होते हैं वो 60 होते हैं। इसके मांस को बीफ कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो गाय का नवजात बछड़ा होता है उसके मांस को व्हील के नाम से जाना जाता है, उसको व्हील कहा जाता है। गाय का मांस बीफ कहा जाता है। गाय का जो गर्भकाल होता है सर वो 282 दिनों का होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करता चल रहा हूँ। गाय का गर्भकाल 282 दिनों का होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम पशुपालन पढ़ रहे हैं तो गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन सभी जानवरों में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है या भारत इनके संख्या के हिसाब से कौन सी स्थान पर आता है, कौन सा राज्य पार्टिकुलर किसी जानवर की संख्या में आगे है, इन सभी के बारे में जब हम जनगणना जो पशुगणना पढ़ रहे थे या पशुधन गणना रिपोर्ट हमने पढ़ी थी तो उसमें हम इसको पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं स्पेशली उन चीज़ों को नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो भारत का गाय संख्या में जो स्थान है वो है दूसरा। ठीक है, भारत में विश्व की बात हो रही है, विश्व में भारत गायों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान ब्राज़ील का है। ब्राज़ील जो है गायों की संख्या के मामले में सबसे पहले स्थान पर है। अब नस्लों के बारे में बात करते हैं। कुछ भारतीय नस्लें हैं। नस्लें दो तरह की होती हैं गाय की। एक तो होती हैं दुधारू, मतलब जिनको जनरली लोग पालते हैं किसके लिए, दूध के लिए, दूध के उत्पादन के लिए। तो जिन नस्लों के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी गाय की ऐसी नस्लें हैं जो दुधारू हैं। तो गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी होती हैं? सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी, देवी, ये जो हैं गाय की दुधारू नस्लें हैं। और इनको याद करने की एक सीधी सी ट्रिक है, सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे। तो सी से सिंधी, सा से साहिवाल, गि से गिर, रा से राठी और दे से देवनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भारतीय गाय की दुधारू नस्लें हैं उनको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी नस्लें होती हैं जिनका ज़्यादातर यूज या किसानों के द्वारा या लोगों के द्वारा उनको दूसरे पर्पज़ से पाला जाता है, जैसे भारवाहक के काम में लेने के लिए, बोझा ढोने के लिए, इस तरह की जो नस्लें होती हैं वो भारवाहक नस्लें कहलाती हैं। और इसमें सबसे प्रमुख हैं अमृत महल, नागौरी और मालवी। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है जो नागौरी किस्म के जो बैल होते हैं भारत में सर्वश्रेष्ठ भारवाहक बैल होते हैं। ठीक है, नागौरी का बड़ा इसमें स्पेशल नाम आता है। और नागौर जो स्थान है वो राजस्थान में है और स्पेशली ये नागौर ज़िले में ही पाए जाते हैं। बात करें सर्वाधिक मीठा या सर्वाधिक मात्रा में दूध देने वाली गाय की जो नस्ल है वो है साहिवाल। साहिवाल जो नस्ल है ये सबसे ज़्यादा दूध देती है और इसके दूध की जो गुणवत्ता होती है वो सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसके अलावा दो किस्में हैं, करण फ्रिज और करण स्विस। ठीक है, ये दोनों गाय की किस्में ऐसी हैं जिनको संकरण के माध्यम से विकसित किया गया है, NDRI जो है। ठीक है, NDRI के द्वारा इनको विकसित किया गया। NDRI के बारे में अभी हम जस्ट पढ़ रहे थे,
तो करनाल में जो है उसी के द्वारा इन दोनों किस्मों का विकास किया गया है, करण फ्रिज और करण स्विस। तो करण फ्रिज जो है ये दो चीज़ों को मिलाकर के बनी है, थारपाकर और होलिस्टियन फ्रीजियन। होलिस्टियन फ्रीजियन जो इसकी नस्ल है ये विदेशी नस्ल है, इसी तरीके से ब्राउन स्विस भी गाय की विदेशी नस्ल है। तो एक विदेशी नस्ल, एक देसी नस्ल, एक विदेशी नस्ल, एक देसी नस्ल, ठीक है। तो थारपाकर और होलिस्टियन फ्रीजियन के द्वारा करण फ्रिज बनी और साहिवाल और ब्राउन स्विस के द्वारा करण स्विस मिली। इसमें से थारपाकर जो थी, थारपाकर और साहिवाल अगर हम शॉर्ट में कहें तो जो भारत की नस्लें हैं ये मादा ली गई थी और विदेशी नस्लों में नर लिए गए थे, ठीक है। नर और मादा का संकरण कराने के बाद में करण स्विस और करण फ्रिज ये दो नस्लें जो है निकल करके आती हैं। कांकरेज जो है गाय की किस्म, ये कच्छ के रण में पाई जाती है गुजरात में, और भारत की सबसे भारी गाय की नस्ल में मानी जाती है, यानी वजन में सबसे भारी होती है, हैवी होता है इसका शरीर। मालवी जो नस्ल है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गिर नस्ल है जो गाय की, इसे कहा जाता है गुजरात की शान। गुजरात की शान किस किस्म को कहा जाता है? गिर किस्म को कहा जाता है। और वहीं जो गिर नस्ल है गाय की, इसको राजस्थान में रैंडी के नाम से जाना जाता है, रैंडी, ठीक है। मेवाती जो है, मेवात क्षेत्र है, ठीक है, मेवाती जो है इसको कोसी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्पेशली मथुरा का जो क्षेत्र है, ठीक है, मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है मेवाती का। मेवाती प्रकार के जो बैल होते हैं, ठीक है, ये भारवाहक होते हैं और हल प्रयोजन में श्रेष्ठ होते हैं, यानी खेतों की जुताई के लिए जो बैल यूज में लिए जाते हैं उन बैलों में जो सबसे बेटर बैल होते हैं वो मेवाती प्रकार के बैल होते हैं। हालांकि अब इनका जो है प्रयोग कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इनका प्रयोग आज भी जारी है, ठीक है। तो मेवाती या कोसी ये मथुरा में इसका उत्पत्ति स्थल है। इसके जो बैल होते हैं वो भारवाहक होते हैं और हल चलाने के काम में या हल प्रयोजन में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। थारपाकर जो नस्ल है गाय की, इसको थारी उजली के नाम से भी जाना जाता है, थारी उजली इसका उपनाम है। भारतीय नस्लें जितनी भी हैं गाय की, उन सभी भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा वसा इसके दूध में पाई जाती है थारपाकर के में। और ये थारपाकर एक ऐसी किस्म है या एक ऐसी नस्ल है जो NDRI के द्वारा विकसित की गई। जैसे अभी मैं बता रहा था, थारपाकर भी NDRI के द्वारा विकास किया गया है। इसके अलावा करण फ्रिज और करण स्विस का भी विकास NDRI के द्वारा किया गया है। राठी जो है, राठी को गरीबों की गाय कहा जाता है। राठी जो गाय की किस्म है, इसको गरीबों की गाय कहा जाता है। इसके अलावा राठी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राठी भी एक संकर प्रकार की नस्ल है। इसका जो विकास हुआ था लाल सिंधी और साहिवाल के संकरण के द्वारा हुआ था। जर्सी, इस प्रजाति को आप में से सभी लोग जानते होंगे। हालांकि ये देसी जाति नहीं है, देसी नस्ल नहीं है, ये विदेशी नस्ल है, लेकिन गांवों के जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, गांवों के हमारे जितने भी भाई होंगे, वो सभी जानते होंगे जर्सी नाम आपने सुना होगा। और आप ढूंढते भी होंगे कि कोई जर्सी गाय मिल जाए दूध के लिए, तो वो सबसे बेटर होती है। तो जर्सी जो है ये एक विदेशी नस्ल है। फ्रांस का इंग्लिश चैनल, इस इंग्लिश चैनल के आसपास एक जर्सी द्वीप समूह है और वहीं से इसका उत्पत्ति स्थान है, इसी वजह से इसको जर्सी नाम दिया जाता है। इस किस्म की गायों की आयु जो है सबसे लंबी होती है और विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा या सबसे उत्तम किस्म का जो दूध होता है वो जर्सी का होता है, ठीक है। अब इसके बाद में बकरी के बारे में बात करते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम कापरा हिरकस होता है। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, इसको उपनाम दिया जाता है। इसके अलावा गुणसूत्र इसमें 60 होते हैं, गर्भकाल इसका 145 दिन का होता है। बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। ये प्रश्न राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं? तो बकरी को कहा जाता है। इसके अलावा देखा होगा आपने, जो भैंस का दूध होता है इसके साथ साथ जो बकरी का दूध होता है, अगर इन दोनों में कंपेयरिंग करते हैं तो एक हल्की सी गंध नज़र आती है बकरी के दूध में। तो बकरी के दूध में जो स्मेल आती है या बकरी के दूध में जो गंध होती है, उसका प्रमुख कारण होता है उसमें कैप्रिक एसिड की उपस्थिति। बकरी के दूध में कैप्रिक एसिड पाया जाता है, इसी के कारण उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। जमुनापारी किस्म है, ये इटावा में पाई जाती है यूपी में। और आपने बकरियां देखी होंगी या बकरे देखे होंगे, तो आपने इस प्रकार के बकरे भी देखे होंगे कि जो बकरों के दाढ़ी टाइप की यहाँ पे लटकी रहती है, मतलब मुंह पे दाढ़ी होती है, बकरों की भी दाढ़ी होती है, तो वो जमुनापारी बकरे होते हैं, ठीक है। जमुनापारी जो बकरियां होती हैं, यानी मादा जो होती है, उनमें दाढ़ी नहीं पाई जाती है, लेकिन जो जमुनापारी नस्ल का
नर होता है उसमें दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है, बारबरी किस्म जो है ये एटा शहर में और एटा शहर की कामधेनु इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे एटा शहर की कामधेनु किसको कहा जाता है, बारबरी को। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है ये। सिरोही प्रजाति ये गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। बीटल जो है ये प्रजाति, ये बिल्कुल जमुनापारी जिस तरह की होती है उसी के टाइप की ये नस्ल है, जमुनापारी की समकक्ष मानी जाती है इसको। टोगनबर्ग और सानिन ये दोनों जो है नस्लें, ये विदेशी नस्लें हैं बकरी की, दोनों ही स्विट्जरलैंड की जो है नस्लें हैं। और टोगनबर्ग प्रकार की जो बकरी होती है इसमें सींग नहीं होते, सींग रहित होती है ये टोगनबर्ग। ठीक है, और इसके अलावा टोगनबर्ग को मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। सानिन जो होती है ये भी स्विट्जरलैंड की नस्ल है और इसको दूध की रानी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो दूध उत्पादन क्षमता होती है अन्य बकरियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ये दिन में लगभग, यानी दोनों टाइम मिला के कम से कम 5 लीटर के समथिंग दूध देती है, जो बकरी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक, अब बात करते हैं भेड़ की। भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओबिस एरीज। ठीक है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओबिस एरीज। गुणसूत्र होते हैं इसमें 54। भेड़ का गर्भकाल जो होता है 150 दिन। भेड़ जिस स्थान पर रखी जाती है, भेड़ पालन जब होता है तो भेड़ को रखने का एक अलग स्थान बना दिया जाता है, तो भेड़ों का जो निवास होता है, निवास स्थान होता है, उसको पेन कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये आपका अंबिका नगर में है और अंबिका नगर आपका पड़ता है राजस्थान में। केंद्रीय ऊन एवं विकास बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है ये जोधपुर में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। भेड़ों में जो प्रजनन क्रिया कराई जाती है, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ट्रैपिंग कहा जाता है। भेड़ों का जो पालन किया जाता है वो मुख्य रूप से दो चीज़ों के लिए किया जाता है, दुग्ध पालन और ऊन के पर्पज़ से। तो भेड़ों के ऊपर से, यानी भेड़ों की स्किन से जो ऊन को उतारा जाता है तो उसको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं, हम बात कर रहे हैं पशुपालन की, पशुपालन की एक टर्मिनोलॉजी का अंग है, यानी पशुपालन की एक शब्दावली है। तो ऊन उतारने की प्रक्रिया को कहते हैं हम शियरिंग। ठीक है, एक ये प्रश्न आपने सुना होगा, सबसे पहली क्लोन्ड भेड़, क्लोन्ड का मतलब जो है जो प्रयोगशाला में विकसित की गई थी, क्लोन्ड भेड़ जो थी उसका नाम था डॉली और इसको विकसित किया था एयान विल्मोट के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे इतना आप। नस्लें जो हैं, नस्लें कौन कौन सी हैं भेड़ों की, नूरेज हो गई, लोही हो गई, खोरवासी, ये जो नस्लें हैं ये प्रमुख रूप से पाली जाती हैं दूध के लिए, और बीकानेरी, मारवाड़ी, चोकला, मगरा, नाली, ये जो नस्लें हैं ये प्रमुख रूप से ऊन के उद्देश्य से इनका पालन किया जाता है। भारत की मेरिनो किसको कहा जाता है, चोकला नस्ल जो है भेड़ की उसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। अब भारत की मेरिनो का मतलब क्या है, जो मेरिनो प्रजाति है या मेरी जो मेरिनो नस्ल है ये मुख्य रूप से फ्रांस की एक नस्ल है भेड़ की, फ्रांस में आपका मेरिनो जो नस्ल है भेड़ की ये फ्रांस की एक नस्ल है, और ये प्रमुख रूप से किसके लिए फेमस है, ये सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करती है। ठीक है, इसपे से जो ऊन निकाली जाती है उसकी मात्रा अन्य नस्लों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से जो चोकला जो नस्ल है भारत की ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ऊन का इसमें से उत्पादन होता है जिस तरीके से मेरिनो से होता है, इसलिए इसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। एक त्रिकाजी नस्ल, भेड़ की त्रिकाजी नस्ल कौन सी है, त्रिकाजी नस्ल का मतलब है यानी जहाँ से ऊन का भी पर्याप्त मात्रा में ऊन प्राप्त हो रही है, दूध भी पर्याप्त मात्रा में दे रही है, इसके साथ साथ उसको मांस के पर्पज़ से या जो मीट के पर्पज़ से भी उसको पाला जाता है। तीनों कामों के लिए जो बेस्ट नस्ल है भेड़ की वो है सोनाली। ठीक है, तो ये भेड़ों की प्रमुख नस्लें हो गई। इसके बाद में ऊँट के बारे में बात करते हैं। ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस और कैमेलस बैक्ट्रिनस, ये दो इनके वैज्ञानिक नाम हैं। दो वैज्ञानिक नामों का मतलब है जो कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है एक कूबड़ वाला ऊँट होता है, और कैमेलस बैक्ट्रिनस होता है ये दो कूबड़ वाला ऊँट होता है। ठीक है, और ये विशेष रूप से लद्दाख में पाया जाता है। गुणसूत्र होते हैं इसमें 74। इसके साथ साथ आप जानते ही हैं जो ऊँट है राजस्थान का राज्य पशु है, इसके साथ साथ इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँटों की संख्या में भारत का स्थान विश्व में 10वां है। ऊँटों का गर्भकाल जो होता है 390 दिन होता है। राष्ट्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र की जोरबीड़ में है। जोरबीड़ कहाँ पड़ता है आपका, बीकानेर राजस्थान में। ऊँटनी के दूध में एक विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है,
विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो ऊँटनी के दूध में सर्वाधिक मात्रा में होता है और मधुमेह या मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनको, जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ऊँटनी के दूध को यूज़ करने की सलाह दी जाती है इसी वजह से। इसकी कुछ प्रमुख नस्लें हैं, ज़्यादा नस्लें नहीं हैं ऊँट की, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मुख्य रूप से राजस्थान में ही ये पाई जाती हैं। बीकानेरी जो बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है, बीकानेर जो किस्म है ये सबसे सुंदर नस्ल है ऊँट की। जैसलमेरी जो नस्ल है ऊँट की इसको प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है सेना में, ठीक है, जो आपने देखे होंगे राजस्थान में जो भी छावनी वगैरह हैं या पुलिस वगैरह है तो वहाँ पर ड्रिल कराई जाती है ऊँटों की, तो सेना में, पुलिस में, और इसके अलावा जो ऊँट दौड़ होती है उसमें भी जैसलमेरी जो नस्ल है वो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, ठीक है, एक मेवाड़ी नस्ल है। तो ये तीन प्रमुख नस्लें हैं ऊँट की। तो आज हमने प्रमुख जितने भी जानवर थे, प्रमुख जितने भी पशु थे उनकी प्रमुख नस्लों के बारे में पढ़ा, इसके साथ साथ में कुछ और फैक्ट्स के बारे में भी जाना। आज आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 10 बजे मैंने ये वीडियो ख़त्म किया है और तब ये अपलोड हो जाएगा आपका, सुबह आपको मिलेगा 6 बजे करीब। इसके बाद मैं पशुपालन से संबंधित एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम पशुओं के जितने भी रोग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और वो किस कारण से होते हैं, उस रोगों के जो मेन रीजन होते हैं, मेन कारक होते हैं वो क्या होते हैं, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास आज की आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में और जरूरतमंद लोगों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।